बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इट्स मी शुमैला सनी। तो जी, ये वहाँ बंस रोड का सेकंड व्लॉग है और यहाँ हम आए थे प्लेटर हाउस। हैट हॉट एंड रोल के नाम से जो है इनकी बहुत ही मशहूर जो है इनका रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे जो है बहुत ही मज़ेदार जो है आपको खाना जो है यहाँ पे सर्व किया जाता है और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आए थे बाबर भाई के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय किया। ये मैंने 2003 में रजिस्टर करवाया था आठ हम लोग के नाम से। अवार्ड अब पहले सबसे पहले हमारा अवार्ड स्लोगन था वो हमने रजिस्टर करवाया था। उसके बाद जो है इसको जब आपको पता है बाहर का हमारा काम बंद हो गया, तो फिर हमने इसको होटल रोल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने आज अलहमदिल्ला कराची में मेरी अपनी 3 ब्रांच है, तो वैसे तो ये तकरीबन 50-60 से ज़्यादा। तो ये होट असल में है हाउस ऑफ तंदूर, तो क्योंकि हमारा शुरू से ही रोटी का काम है, तो इस वजह से ये अवार्ड स्लोगन था हमारा। इसको हाउस ऑफ तंदूर किया होटल एंड रोल, तो आज अलहमदिल्ला ये पूरी कराची में हमारा रोल फेमस है सबसे ज़्यादा। तो अब हम जो है प्लेटर हाउस, ये हमारा आगे इसी का एक डिमांड है, और जिसो के नाम से हमने एक और इसकी फ्रेंचाइज बनाई है जिसको पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जूस का इंशाल्लाह करें, क्योंकि हमारे जैसा जूस इंशाल्लाह कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ फल इस्तेमाल करते हैं, आइस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते अपने जूस में। तो वो आप जो चेक भी कराएंगे आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा और लाभ हो जाएगा। तो अभी जो है हमारे जो आइटम हैं आपके सामने आ रहे हैं, पहले भी हो चुके हैं प्लेटर के नाम से हमारा, लेकिन जी आप पहले हमारे प्लेटर थे 2%, 4%, 6% और 8%। अब हम इसको 1% के लिए लेके आ रहे हैं अलहमदिल्ला इंशाल्लाह। एक बंदा खा नहीं सकेगा बात देख लेंगे। तो ये है हमारी प्लेटर, आप बहुत फेमस है हमारे यहाँ, इसको ट्राई करें। जूस हमारे बहुत अच्छे हैं, फास्ट फूड चाहिए बाकी ग्रुप पिज्जा, यानी हर आइटम जो कराची में बनते हैं और बनते हैं वो हमारे पास ऐसे अवेलेबल है। अच्छा एटमोसफियर है हमारे पास, जगह अच्छी है, बंस रोड फूड डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हमारा रेस्टोरेंट है। ठीक है, ये देखिए ये आशिक कबाब है, बेहतरीन मजा आ गया भाई ने तो ये बात बोल के हमें लाजवाब कर दिया। ये भाई जो है शेफ भी है, बर्तन भी धो चुके हैं, सब कर चुके हैं भाई। एक नान दे दे गरम और एक चपाती दे दे। वाह जी मजा आ गया जी, मजा ही आ गया। इसको खींच के साथ और इनके साथ पराठा लगवा दूं या चपाती दे दे सर? ये इसके साथ आप क्या लाते हैं, चपाती या पराठा? चुप ओए, मेरी बात सुन, उसको पराठा लगा दे, पराठा से आगे मजा नहीं आएगा। मेरे ऐसे तो चार पांच चले हाँ, ये तो उनकी वो जो इंडिया वाले हैं ना गुरु जी, चले तो फिर शुरू करते हैं। आज अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये आशिक कबाब, ये कितने मज़ेदार है, ये कितने आशिक है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा
सर जो, अच्छा जो ये कबाब खाएगा वो आशिक है। ठीक है जी, तो आप ज़रूर ट्राई करें आप सब यहाँ पे आके आशिक कबाब। हाँ तो हम फ्री हो गए यहाँ से, तो चले पूछता हूँ मैं तुम्हारे लिए मज़ा आया या नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हें मज़ा आया? बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही यम्मी था। और इनकी और इनके डिफरेंट आइटम्स हैं वो तो हमने टेस्ट नहीं किए, लेकिन इनके स्पेशल आइटम थे वो हमने टेस्ट किया, हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो बस अभी जो है इनका जूस का भी है, अभी जूस का भी रिव्यू देंगे। तो मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था, मेरे हिसाब से स्पाइसी था लेकिन ठीक था, अच्छा था। अगर हम इसके हॉल की बात करें तो मैं इनके हॉल का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो है स्टार्ट हो रहा है इनका हॉल, और एंड पॉइंट वो है हॉल का काफ़ी ज़्यादा जो है ये एनवायरमेंट लग रहा है। खाने में भी आपको मजा आएगा, कोई शोर शराबा नहीं है, आपको सब खुद यहाँ पर खाने में बैठे इन्जॉय कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जूस भी रेडी हो गया है, अब इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं कि इनका जूस कैसा है। तो जी ये अब शुमाइले टेस्ट कर रही हैं और आपको रिव्यू देती हैं। फाइनली अब घर जाने का टाइम आ गया है, काफ़ी मज़ा आया आज बाबा भाई के साथ, हमें काफ़ी इन्जॉय किया। पहले फिर उसके बाद मैंने गुलाब जामुन ट्राई किए, फिर हमने वहाँ का खाना इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा बाबा भाई के साथ। बहुत कीमती वक्त दिया जी मैंने इनको, अब जो है आपको पर मिनट के हिसाब से जो है पेमेंट करनी है मुझे। मजाक की बात है भाई, आप आए, मेहनत की आप लोग यहाँ पर, अभी दूर है आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने आके हमारे साथ फूड रिव्यू किया। और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें भाई, इनको सपोर्ट करें, बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों, और इन शाला और भी अच्छी वीडियोज लेके ये लोग आते रहेंगे। आप लोगों को भी आने का बहुत शुक्रिया।